हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कक्षा 8वीं और 5वीं के पेपर 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसका हम कक्षा 8वीं का गणित पेपर देखने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका रियल पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी मैंने पूरा दिया गया है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चनों का नहीं दिया है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन प्रदान कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर तो देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर ये पेपर इस प्रकार से आपका दिया गया है, अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर वार्षिक पेपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, यहाँ पर लिखित के 90 नंबर हैं आपके, और मौखिक कितने नंबर मिलेंगे आपके, 10 नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए समय आपको कितना दिया गया है, 3 घंटे का समय दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, तो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, सभी प्रश्न हल करने वाले हैं यहाँ पर। ये प्रश्न नंबर पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कितने नंबर के आपके 5 नंबर के आने वाले हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पहला हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सही विकल्प में, -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, वर्ग संख्या 81 का वर्गमूल कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 9 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो कितनी होती हैं, 3 होती हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएँ होती हैं, 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × यहाँ पर 2π r × r+h, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा होता है 180 डिग्री। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा और अच्छे से पढ़ लेना है आपको। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान कितने नंबर के आने वाले हैं आपके, 5 नंबर के आने वाले हैं, तो इनको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो वर्ग का ध्यान रखेंगे आप, वर्ग का प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, क्योंकि इस प्रकार से बना होता है, वर्ग इस प्रकार से बनता है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो इसके पूरे कोण भी बराबर लंबाई के होते हैं, और चार कोण कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, माइनस का व्युत्क्रम लिखना है। पहले का हमारा 90 हो गया, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 1/5, माइनस का 1/5 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हमेशा आप ऊपर ही लगाया करें। सेकंड दिया गया, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय संख्या लिखनी है आपको, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, ये लिखा होगा यहाँ पर परिमेय आपको क्वेश्चन में ही, तो आपको इसी में से लिख देना है, तो परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन दिया गया है, x^-, यहाँ पर 0 दी गई है। तो किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है, यानी घात 0 है, तो ध्यान रखेंगे चाहे वो गिनती हो या फिर ABCD का कोई भी अक्षर हो, तो उसका मान हमेशा 1 आता है, ध्यान रखेंगे ये बात। कितना होता है आंसर, 1 होता है, यानी किसी भी संख्या की दी हो घात या फिर ABCD के किसी भी अक्षर की घात दी गई हो 0, तो उसका मान हमेशा कितना आता है आपका, 1 आता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर के आए थे यहाँ पर, इनका सलूशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये यहाँ पर 6 करने हैं कोई इनमें से, तो ये दिया गया आप करने में, लेकिन प्रश्नों को हल कीजिए, और 6 करने हैं कोई, 18 नंबर के ये क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ पर देखते चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, ये दिए गए हैं इनका। यदि आप सलूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो पूरे पेपर का सलूशन आपको करके दे दिया जाएगा, इससे आप पेपरों में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जो 35 नंबर का है, इसमें से कोई भी 7 क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है इसमें, तो ये देख लीजिए प्रश्न अच्छे से, 4 क्वेश्चन इसमें हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए इसको, ये रहा हमारा 6वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 7, और ये 8वां, और ये 9वां हो जाएगा, ये 10वां हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5वां, जो 6 नंबर का आने वाला है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं 6वां क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, 6वां,
जो 7 नंबर का आना है इसमें, इसमें एक आपको पाई चार्ट बनानी है। इसके अथवा में आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये भी आपका 7 नंबर का आने वाला है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। इनका पूरों का सलूशन आपको दिया जाएगा यदि आप कमेंट में जाकर कमेंट करते हैं। जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।